और गाइस बहुत खुशी की बात है, मैं दूसरी बार पापा बन गया हूँ। हमारे घर में एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बिटिया रानी का जन्म हुआ है, तो बहुत खुशी की बात है हमें। देखो हमारी बिटिया रानी और ये देखो, हेलो ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। ओहो अब यहाँ पे देखो ना, जितने भी होटल रेस्टोरेंट जितने भी ढाबे हैं सब यहाँ के लोग लीज पे दे दिए हैं। अपने आप तो करना नहीं है, अपने आप तो बैठ के रहना है, अपने आप एकदम कुर्सी चाहिए, मेहनत नहीं करनी है। अगर कोई चाय बेच रहा होगा ना तो उसको शर्म आती है कि मैं चाय बेच रहा हूँ। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सब काम करना पड़ता है अगर मेहनत करनी है तो। हाँ, क्या बना रहे आप? बॉडी बना रहे? हाँ, क्या है वो? हाँ, टू और बी, मस्त हो रहे नहीं? जय श्री राम, हर हर महादेव। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में, उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ से। गाइस, और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं अपने घर गुप्तकाशी केदार घाटी से। और आज का मौसम का हाल देखिए, बड़ा ही सुहाना मौसम है और आज बहुत टाइम के बाद धूप खिली है, वो भी कड़ाके वाली धूप। धूप देखो, एकदम कड़ाके वाली धूप खिली है। ये देख सकते हैं नीचे, देखो मंदाकिनी डैम कितना प्यारा लग रहा है। आज देखो सुबह सुबह का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, और कड़ाके वाली धूप खिली है। देख सकते हैं ये देखो, मौसम भी एकदम साफ है। देख सकते हैं ये देखो, मौसम का हाल है कुछ इस प्रकार से। मौसम का हाल है ये देखो, चमकता धमकता मौसम। और ये देखो सूर्य भगवान जी ऊपर चले गए हैं, नज़ारा कुछ इस प्रकार से लगता है। ये देखो सामने बैठे हमारे महादेव बादलों के बीच केदारनाथ में, और ये सामने बैठे हैं हमारे मधुमेश्वर महादेव, उधर मधुमेश्वर महादेव। तो आज देखो बहुत टाइम के बाद अच्छी धूप भी खिली है और थोड़ा गर्मी भी होने बैठ गई है। और ये देख सकते हैं प्यारे प्यारे फूल भी खिले हैं हमारे बालकनी में। तो गाइस, अभी सुबह का नाश्ता वगैरह भी हो गया है, तो अभी मैं आया हूँ अपनी दुकान में। और देखो यहाँ से देखो, हमारे जितने भी गमले रखे ना, कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं फूल। तो ऐसा कुछ सीन है, तो आज दो तीन दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत खुशी की बात है, मैं दूसरी बार पापा बन गया हूँ। हमारे घर में एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बिटिया रानी का जन्म हुआ है, तो बहुत खुशी की बात है हमें। कल ही हुई थी, कल 12:25 पे हमारी छोटी बिटिया रानी का जन्म हुआ, तो आप ढेर सारा प्यार दीजिए। तो ऐसा कुछ सीन है, तो अभी बाकी लोग तो घर में हैं, तो क्योंकि अब पहाड़ों में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कल परसों बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो टूट फूट बहुत ज़्यादा हो रही है। भले ही यात्रा नहीं चल रही है, यात्रा एकदम जीरो है, पर क्योंकि आजकल बरसात में ना बहुत ज़्यादा, अगर हम यहाँ से भी गुप्तकाशी जाते ना तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बारिश में टूट फूट होती है, पत्थर वगैरह गिर जाते हैं। तो जिस दिन हमारी बिटिया रानी जन्म हुआ, तो उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश आई थी। पहाड़ों में अगर गाड़ी नहीं है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इधर उधर जाने में, क्योंकि यहाँ से रास्ता काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, हॉस्पिटल काफ़ी लंबे होते हैं। यहाँ से हमारे घर से हॉस्पिटल है 5 किलोमीटर गुप्तकाशी में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो वहाँ पे उतनी भी सुविधा है नहीं। अब तो थोड़ा बहुत जाके थोड़ा बहुत सुविधा हुई है, चवा की वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी पूनम की। तो ऐसा कुछ सीन है, सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है, अपना ना इष्ट देवता का आशीर्वाद है, अपना केदार बाबा का आशीर्वाद है। अभी मैं दुकान से अपने घर पे आ गया हूँ, और यहाँ पे देखो मम्मी ने सारे कपड़े सुखाने के लिए रख दिए हैं, आज जाके थोड़ा बारिश थमी है। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। हेलो, ओहो जमड़ी आ रही इसको है। हेलो और गाइस, अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं, हमारा लंच भी बन रहा है। आजकल खाना दुकानी में बनता है, तो ऐसा कुछ सीन है। और यात्रा एकदम जीरो हो चुकी है, हम देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं, पर यहाँ पे ना जो हमें असुविधा होती ना वो हम किसको बताएं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पहाड़ों में, भले ही रोड है, हॉस्पिटल है, लेकिन हॉस्पिटल बहुत दूर दूर है। अगर किसी को कोई इमरजेंसी होगी ना तो यहाँ से श्रीनगर ऋषिकेश सीधे जाना पड़ता है, काफ़ी लंबा है। यहाँ के हॉस्पिटल में उतनी सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल बड़े हैं पर सुविधाएं कम हैं। तो ऐसे ही यहाँ पहाड़ों में भी है, लोग 5-10 किलोमीटर पैदल आते हैं, अगर किसी को इमरजेंसी होगी तो वो कहाँ जाएगा। तो पहाड़ों में लोग बहुत संघर्ष करते हैं, संघर्ष करने के बाद भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसी साल देखो ना, इसी साल यात्रा ऐसी चली ना कि सबकी कमर तोड़ दी है। ये कुछ गलतियाँ हमारी गवर्नमेंट की है और कुछ यहाँ के लोकल लोगों की हैं। अभी यहाँ पे देखो ना, जितने भी होटल रेस्टोरेंट जितने भी ढाबे हैं सब यहाँ के लोगों ने बाहर वालों को दे दिए हैं, किराए पे दे दिए हैं, किसी को बेच दिया है। तो ये देखो, यहाँ के लोग अपनी ज़मीन तक नहीं छोड़े हैं, ज़मीन भी बाहर वालों को बेच रहे हैं। आने वाले समय में ना ये दिक्कत
उनको तो क्या होगी, लेकिन उनको तो क्या होगी, उनके आने वाले पीढ़ी को होगी, आने वाले बच्चों को होगी ये दिक्कत कि ताकि वो देखो उन्होंने सारी ज़मीन यहाँ की बेच दी है, लोगों को लीज पे दे दी है, अपने आप तो करना नहीं, अपने आप तो बैठ के रहना है, अपने आप एकदम कुर्सी चाहिए, चाय चाहिए, बैठ मेहनत नहीं करनी है। अगर कोई चाय बेच रहा होगा ना तो उसको शर्म आती है कि मैं चाय बेच रहा हूँ, क्यों? हम पहाड़ी लोगों की तो यही तो कमियाँ होती हैं। हाँ बस कुछ लोग होते हैं जो लोग जिन्होंने बाहर की दुनिया देखी है, क्योंकि उनको अगर अपना काम करना है ना कुछ भी शर्म नहीं लगेगा, लेकिन जो यहाँ के लोग रहेंगे ना उनको बोलना है चाय का ठेला खोलना, अरे मैं खोलूँगा चाय का ठेला, मैं तो यहाँ का मालिक हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सब काम करना पड़ता है, अगर मेहनत करनी है तो, अगर आगे बढ़ना है तो सब काम करना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ सीन है हमारे यहाँ के जो पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी लोगों ने कुछ 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 पहाड़ी लोगों ने यहाँ का पूरा माहौल बिगाड़ दिया है। तो गाइस आज मैंने अपने फ्रिज से बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक निकाली है, तो मेरे को कौन सी अच्छी लगी है इनमें से ये देख सकते हैं। ये देखो कुछ इस प्रकार से मैंने अभी यहाँ पे टेस्ट किया था, ये देखो रेडबुल है, स्टिंग है, स्प्राइट है, कोक है, तो इनमें से तो मेरे को स्प्राइट थोड़ा ठीक लगी और बाकी तो मैं पीता भी नहीं हूँ। प्राइस कुछ यहाँ पे पहाड़ों में भी यही है, 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये, और ये शायद ये है 125 का ही रेडबुल, तो सबसे महंगी चीज़ है इसमें रेडबुल। हमारे लिए तो रेडबुल है बुरास का जूस, सबसे बेस्ट है बुरास का जूस। इस साल तो हमने बनाया नहीं, पर आपको भी बताएंगे बुरास का जूस कैसे बनता है, ये अगले साल जब भी बनाएंगे ना बुरास का जूस तो किस प्रकार से बनता है आप लोगों को भी बताएंगे। सो गाइस अगर आपने अभी तक विपिन पहाड़ी ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। केदार घाटी में रोड ब्लॉक है फाटा साइड में, तो आप जाके रोड खुली है और यहाँ से देखो सुबह की जो हरिद्वार ऋषिकेश जाने वाली बस है ना वो अभी जा रही है 12:30 पे, ये देख सकते गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है अभी। ये परसों जो ये चट्टान टूटी है ना ऊपर से, ये देखो कितने भयंकर वाले पत्थर आ रखे, जो बस वाली थी वो तो बाल बाल बची है वो बस, ये देखो इतनी भयंकर चट्टान आई थी ऊपर से, कितने सारे पत्थर हैं बड़े बड़े। तो ऐसा कुछ सीन है पहाड़ों में ना, आजकल बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है गाड़ी गुड़ी चलाना, बहुत ज़्यादा रिस्क का काम रहता है। आजकल क्या होता है ना, जितनी भयंकर धूप है ना तो उतनी भयंकर बारिश भी आती है, तो ऐसा होता है हमारे पहाड़ों में। सो गाइस अभी दिन का खाना वाना भी हो गया है, पापा गए थे, पापा गुप्तकाशी गए थे, वहाँ से कुछ सामान लेके आए हैं, तो उसके बाद हमने अभी हमने लंच किया है दोपहर। इनको तो मैं लेके गया हूँ नीचे घर में, तो उन्होंने घर में खा लिया है, पापा हमने यहाँ पे खाया होटल में। तो अभी दिन के 1:30 हो रहा है, तो अभी हमने दिन का लंच किया है, थोड़ा बहुत अभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है मस्त वाली, देख सकते हैं देखो देखो किस प्रकार से हिल रही है, अभी हल्की फुल्की हवा हो रही है मस्त वाली, ये देख सकते हैं देखो, तो थोड़ा बहुत राहत मिल गई है गर्मी से, ये देख सकते। इस पर भी देखो ढेर सारे हमारे, ये देखो ये जो गमला रखा है तो इस पर भी ढेर सारे पीपल के पेड़ हो रखे हैं, बहुत सारे, कम से कम 8-10 पेड़ हो रखे हैं पीपल के, और अमरूद का भी हो रखा है, फूल का भी हो रखे है। तो अभी 2-4 दिनों के बाद फिर से पापा इनको फिर से लगाएंगे पीपल के पेड़, क्योंकि अच्छे होते हैं पीपल के पेड़, तो शुभ होते हैं, तो इनको बाद में लगाएंगे, थोड़ा बहुत बरसात होगी ना चालू फिर उसके बाद लगाएंगे, और ये ठंडी ठंडी हवाओं के साथ में देखो। और ये देखो ये हमारी नित्या रानी है यहाँ पे नमकीन खा रही है, क्या क्या है वो नित्या नमकीन, अच्छा अच्छी लगी आपको, बहुत अच्छा है, चलो तो क्या है वो नहीं क्या है, हाँ 2 और B ठीक है चलो, हाँ आ जाओ, तो मच्छी कहाँ पे है, मच्छी बहुत सारी मच्छी कहाँ पे, हाँ मच्छी है, हाँ रुक जा रुक जा, हाँ रुक, ये देखो ये मच्छी नहीं बहुत बड़ी बड़ी है मेरे बाबा मच्छी। तो गाइस अभी शाम के समय में हम आए हैं अपनी दुकान के ऊपर वाले छत पे, यहाँ पे नित्या और मैं हूँ यहाँ पे, और मेरी नित्या खा रही है नमकीन, आलू भुजिया है क्या है, पापा को भी खिलाओ थोड़ी सी, बाबा बा हो गया वो, मस्त हो रहे नी बहुत ही हो, हाँ हाँ वो वाली मिर्ची होती है, इस वाली में मिर्ची नहीं है ना, हाँ उसमें मिर्ची है, थोड़ा सा पापा को भी और दो, मेरे को और चाहिए थोड़ी सी और चाहिए, बाय हो गए थैंक यू भैया, थैंक यू, कूड़ा है वो क्या डस्टबिन में डालो ठीक है।
उधर पे डस्टबिन वो वहाँ पे। हाँ क्या बना रहे आप? बॉडी बना रहे? ठीक है तो बनाओ, हाथ में नहीं लगना चाहिए वाह। हाँ वहीं पे रखो, चलो वहीं पे रखो, वहीं पे रखो, वहीं पे रखो, वहीं पे रखो ना। हाँ वहीं पे रखो, चलो हो गए। अभी रात के 9 बज चुके हैं, ये देख सकते हैं ये देखो, और हल्की फुल्की बूंदाबांदी बारिश होने बैठ गई है, ये देखो पूरा का पूरा गीला हो गया, ये देखो बारिश की बूंदे। सो गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय केदार बाबा, हर हर महादेव।